स्वराज पता की जय, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और हमारा पास वैलिड यूनिवर्सिटी पर है, तो दिखे से रिपोर्टिंग करो, लड़की बोलो नहीं करी आज की जो ये प्रेमनगर गांव में यूनिवर्सिटी के बाहर जो जाम लगाया है, ये मेन मुद्दा क्या है और किस लिए सभी छात्राओं ने जाम लगाया हुआ है? ये जो गांव प्रेमनगर में सीबीएलयू का कैंपस बना हुआ, उसमें वापस नहीं लौट रही। कई दिनों से बच्चे परेशान थे, हम वीसी को भी दे चुके हैं, जीएम को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, उसके बाद डीसी को भी दे चुके हैं। डीसी साहब ने हमें एक हफ्ते का आश्वासन दिया था कि दो ब्रेकर बन के तैयार हो जाएंगे, बस क्यू सेंटर बन के तैयार हो जाएगा। आज एक साल हो चुका है उन्हें, आज दोबारा फिर हमने तीसरा जाम लगाया है। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे रोड पर। और ये एक हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों को बहरान किया जाता है, एक एक किलोमीटर आगे उतारा जाता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जब तक हमारा या इनका प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आएगा, हमारी मांग लिखित रूप में नहीं मानी जाएगी जब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। तो इन इनका सबका पास तो मान्य होगा, पास तो बनवा रहे, पास भी नहीं मान रहे, पास बिल्कुल मान्य नहीं है, पास भी आपने सब ने पास बनवा रखे हैं, वो भी बस वाले मान्य नहीं करते, नहीं करते, बोलते हैं कि भिवानी तक है, प्रेमनगर तक नहीं है, प्रेमनगर तक बनवाओ। तो फिर यूनिवर्सिटी भिवानी बनवा देते, ये रोडवेज वाले ऐसा था तो सर वो उनको कहो ना, हमें क्यों परेशान करते हैं और ऊपर से बदतमीजी भी करते हैं, गलत बोलते हैं, किराया भी देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कल से इस बस में मत बैठना, चलती बस में ताकी बंद कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चे को कॉलेज के बच्चों को नहीं बिठाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। तो भाई सर, आप देख पा रहे हैं रंगी न्यूज के माध्यम से, जैसा कि सभी छात्राएं बता रही हैं कि उनके साथ बदतमीजी भी की जा रही है। तो भाई साहब आप बताइए इसके बारे में, जैसे कि अभी लड़की ने बताया कि भी पास भी है, उसके बाद भी मन नहीं करते, तो आप बताओ। 8 तारीख से यहाँ पे क्लासेस लगनी शुरू हुई हैं, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, लगभग 60 डिपार्टमेंट यहाँ पे लगातार क्लास लग रही है, लेकिन देखने में आ रहा है काफ़ी भिवानी से काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, लेकिन यहाँ पे बस नहीं रुकती। मुख्य जो प्राइवेट बसें होती हैं वे बिल्कुल भी ना तो पास मान्य करते ना ही रुकती हैं। 5 बसों के नंबर है मैंने नोट कर रखे हैं, काफ़ी मैं लिख के दे सकता हूँ। ये सामने बस खड़ी है, ये भी शामिल है, बिल्कुल रुकती नहीं है। दूसरी बात है लटक के जाना पड़ता है, कोई ये नहीं है। एक तो मुख्य रूप से ये होना चाहिए कम से कम एक बस, जैसे सिटी बस सेवा है यूनिवर्सिटी टू बस स्टैंड होनी चाहिए, हमने लिख के भी दिया है। आज भी भूगोल बस करवा दो, यूनिवर्सिटी के लिए करवा दो, जो बस स्टैंड से चले हमें यूनिवर्सिटी छोड़ के चली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सुबह की करवा दो, एक शाम की करवा दो, फिक्स टाइमिंग करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। मैं भूगोल विषय का छात्र हूं, आज भी हमने पूरे भूगोल डिपार्टमेंट के जितने भी छात्र हैं उन्होंने वीसी के नाम डिपार्टमेंट हेड के थ्रू लेटर भी दिवाया है कि सर ऐसे ऐसे है। एक समस्या ये है कि यहां पे ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, कम से कम यहां पे बस क्यू सेल्टर जब भी बने, लेकिन सीमेंटेड कुर्सी है, वे टेम्परेचर जुगाड़ तो कर सकते हैं। अब एक एक घंटे तक खड़े होके तो जाते हैं, उसके बाद में 2 किलोमीटर अंदर पैदल जाओ, 9 से 5 हमारी क्लास लगती है। इस बारे में आपने जीएम को ज्ञापन दिया भाई? 2 बार जीएम को ज्ञापन दे सके, 2 बार वीसी को। मैं शुक्रवार ने आपका फोन आया, जब मैं गया वीसी के पास, वीसी था मीटिंग में, मैं उसकी डायरी में लिख के आया था भाई यो वीसी साहब का नाम गाल दो, नहीं तो मैं हम जाम करेंगे सभी छात्र छात्राएं, ठीक है, जब तक हमारी मांग नहीं मान। और बस क्यू सेंटर का तो डीसी साहब ने आश्वासन 1 हफ्ते का दिया था, आज उन 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया, और हमारी मांग नहीं मान। हमारी बेटियां 1 किलोमीटर से पैदल आके यहाँ आती है तो 2 क्लास खराब हो जाती हैं, तो हमारी समस्या का हल होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, जब तक हमारा समस्या का हल नहीं होता, चाहे आज कर दो चाहे 2 दिन बाद कर दो, हमारा समस्या का हल होगा नहीं होगा तो नहीं दोबारा फिर जाम लगाएंगे, आज नहीं हुआ तो। आप देख पा रहे हैं कि छात्रों में कितना गुस्सा है, जो कि किसी भी विकल्प को निकलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि छात्रों में पूरा गुस्सा है, जो इन्हें परेशान किया जा रहा है, आप रंगीन न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं।
स्टेशन भेजो अधिकारी भेजेंगे सारे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ये जो जाम लगाया हुआ है छात्राओं ने जाम लगाया कि क्योंकि जो कॉलेज की स्टूडेंट हैं वो या ये जो ड्राइवर हैं ये बस नहीं रोकते तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे। ये जो छात्राएं यहाँ आती हैं वहाँ करती है ये जहाँ काम करते हैं उनके पास जीएम के पास हड़ताल करके बैठे अपन जीएम आ गए स्टॉप पे उतरना है तो उतरो नहीं हम रोकेंगे नहीं बस को और उन्होंने हमें वहीं पे उतारा वहीं से हम पैदल आए हैं पूरे एक घंटे में हमारा एक लेक्चर वेस्ट हो गया और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बदतमीजी करते हैं वो और जाते टाइम भी बसों को नहीं रोकते हैं बोलते हैं अपना पास बढ़ाओ ये दीवानी तक का है। जब हमने सर से बात की तो सर ने बोला हमारी बात करवा देना बोले तुम्हारे सर की नहीं चलेगी यहाँ पे बसों की कमी की समस्या नहीं है बस रोकते नहीं है यूनिवर्सिटी के आगे बस इसको रोको यूनिवर्सिटी के आगे पास हमारा भिवानी तक का है यूनिवर्सिटी भिवानी तक का है कैंपस अब यहाँ शिफ्ट हो गया तो हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें ये तो इनको खुद को सोचना चाहिए तो इसलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते फिर हमारे साथ बदतमीजी क्यों करते हैं कभी आगे उतार देते हैं कभी पीछे उतार देते हैं। हाँ वो बोल रहे कि बस का नंबर हमें दे दो हम बात करेंगे लेकिन उससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा वो हमारी बात ही नहीं मान रहे जब तक हमारी बातें नहीं मान ले जाएंगे तब तक हम जाम नहीं रोकेंगे बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए ना कि अगर वो अपने पढ़ाई के लिए इतना फोर्स करते हैं कुछ भी कहना तब तो दिख रही है जब हम एक एक बच्चे की ना चल रही थी अंकल जी एक बार जाम लगाया जब तक हमारी मांग आधे घंटे में इतनी तकलीफ होगी आपको आधे घंटे में इतनी तकलीफ होगी कि रोज की कितनी बस सिर्फ अपनी अपनी लगी है इनकी नहीं देखी परेशान तो हम किसी को परेशान नहीं करे हम खुद परेशान है हम 8 बजे घर पहुँचे उस माँ बाप को पर के बेटी हो गाड़ी में जाओ गाड़ी में समस्या का हल करवा दे बस समस्या का हल करवा दे समस्या का हल करवा दे हमारी मांगे पूरी करो बसें रुकेंगी तो चढ़ाए भी नहीं यूनिवर्सिटी वाले नहीं कॉलेज वाले नहीं ऐसे बोलते हैं बसें भी यहाँ पे नहीं रुकती कभी देखने दूर ऐसा है देखो दो अड्डा का सिलेक्शन कर ये रोड पक्का बन गया एक अड्डा यहाँ ले लेंगे एक अड्डा जो पीछे यूनिवर्सिटी का गाड़ी रुक जाएगी एक मिनट एक मिनट यूनिवर्सिटी तो जाओ एक जना बोल लो बात सुनो बात है यूनिवर्सिटी की
यूनिवर्सिटी के सामने बस रुकनी चाहिए, बस हाँ रुक जाएगी, ठीक है रुक जाएगी, और वहाँ पे ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं चढ़ने चाहिए ऐसा है। देखो हमारा पास भी मान्य होना चाहिए, बसें रुकेगी दो जगह, एक तो वहाँ जो अड्डा है दूसरा यहाँ रुक जाएगा, ठीक है उनका कोई मतलब औचित्य नहीं रहा उन अड्डा का, ठीक है दो अड्डे हो गए दोनों जगह रुक जाएंगे बस। अंकल मेन अड्डा है यूनिवर्सिटी का, ज्यादा रुकनी चाहिए, मेन अड्डा पहले वो यूनिवर्सिटी बनेगी तो ये हो गया, ये बताओ ये वाला अड्डा। आप सुनो एक छोटी सी बात, एक बात और है अंकल, सर सुबह तो मेरे साथ बदतमीजी भी हुई, हम बस में चार पांच लड़की हुई, किसने किसने की, जो बस का कनेक्टर था उसने की, बस नंबर है, हाँ है और उसकी एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है कल मेरे पास दे आइयो बस स्टैंड पे, ठीक है। एक दिक्कत और है सर, हाँ पास यूनिवर्सिटी से और जो जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ का है, और ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का पास ये है बिहारी तक का पास है, जबकि यूनिवर्सिटी पास बना के दे रही है हमको। देखो जो उस पर किलोमीटर लिखे हुए हैं बस स्टैंड का हुआ है, हाँ ठीक है, यहाँ से जहाँ तक का वहाँ का पास, ठीक है ये रुक जाए कोई दिक्कत, ठीक है यही बोल रहे हैं, यही बात बता रहे हैं, जब यूनिवर्सिटी लिख रखा है तो यहीं तक होगा वो, ठीक है भिवानी तक लिख रखा है तो भिवानी होगा, वो बोलते भिवानी तक का है या प्रेमनगर का नहीं है तुम्हारा पास, तो भिवानी होके आते हो, एक बार यूनिवर्सिटी है तो एक बात और है, प्राइवेट बस वाले कौन सा जी भाई साहब, प्राइवेट बस वाले बोल देंगे सभी ने जो लड़कियां हैं प्राइवेट बस में भी अलाउड है, ठीक है वो भी रोक दे, सुन लो सारे जो भी नहीं रोके उसकी लिखित में शिकायत दे दो, मेरे बस का नाम नंबर नोट नंबर दे दो सर आपका, बढ़िया सुबह एप्लीकेशन दे देंगे।